अब आप सभी पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट के प्रोफाइल में अपने पिता का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग यानी डेट ऑफ एग्जिट और आधार नंबर ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, वो भी यूएन पोर्टल पर। यहां पर लिस्ट में आपको चेंजेज के लिए 11 पैरामीटर दिख रहा है, जिसमें से ये 4 पैरामीटर यूएन पोर्टल पर चेंजेज के लिए उपलब्ध है। अभी आने वाले टाइम में ये 7 पैरामीटर भी यूएन पोर्टल पर चेंजेज के लिए उपलब्ध कर दिए जाएंगे। इन 7 पैरामीटर में आपको फादर नेम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रिलेशनशिप यानी संबंध चेंज करने का, वैवाहिक स्थिति चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा और रीजन ऑफ लीविंग यानी काम छोड़ने का कारण चेंज करने को मिलेगा, डेट ऑफ लीविंग यानी डेट ऑफ एग्जिट भी चेंज करने को मिलेगा, नेशनैलिटी चेंज करने को मिलेगा आपको। इनमें से कुछ पैरामीटर में चेंज या करेक्शन करने के लिए पहले आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपने एम्प्लॉयर से साइन और स्टाम्प लगवा कर आपको ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता था। तो आगे आने वाले टाइम में ये सभी पैरामीटर ईपीएफओ की तरफ से यूएन पोर्टल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने पीएफ अकाउंट में इस प्रकार का सभी करेक्शन यूएन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ईपीएफओ ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये जानकारी मुझे कहां से मिला, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ईपीएफओ की तरफ से 35 पेज का एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पीएफ मेंबर के प्रोफाइल में करेक्शन से संबंधित निर्देश लिखा हुआ है। ये 35 पेज का निर्देश आप भी अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं, जिसके लिए आप गूगल सर्च बॉक्स में लिखेंगे सर्कुलर्स ईपीएफओ। सर्कुलर्स ईपीएफओ लिखने के बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे तो सर्च रिजल्ट में आपको ईपीएफओ के सर्कुलर्स पेज का वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें ईपीएफओ की तरफ से जितने भी सर्कुलर्स जारी किए गए हैं लिस्ट वाइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहां पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इस सीरियल नंबर को देखते हुए आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। ईपीएफओ की तरफ से मेंबर के प्रोफाइल में करेक्शन से संबंधित जो एसओपी जारी किया गया है वो आपको यहाँ 154 नंबर पर मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर मेंबर प्रोफाइल अपडेशन इन ईपीएफओ। ये 35 पेज का फाइल है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आप इसे यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस एसओपी में पीएफ मेंबर के प्रोफाइल में करेक्शन से संबंधित काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको वो 11 पैरामीटर्स लिखा मिलेगा जो वीडियो में मैंने पहले बताया था आपको। अब ये 11 पैरामीटर्स आने वाले टाइम में यूएन पोर्टल पर ईपीएफओ की तरफ से ऐड किए जाएंगे, ताकि आप इन सभी पैरामीटर्स में ऑनलाइन यूएन पोर्टल के माध्यम से करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन यानी सुधार करने की स्थिति सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर नाम चेंज करना है तो किसी को अपने नाम में एक अक्षर का चेंज करना होगा, किसी को दो अक्षर का चेंज करना होगा, या ऐसा भी हो सकता है किसी को अपना पूरा नाम या पूरा टाइटल ही चेंज करना होगा, या फिर किसी को जन्मतिथि में सुधार करना है तो किसी का 6 महीने का फर्क होगा, किसी का 1 साल का, किसी का 2, 4, 6 साल का फर्क होगा। अब इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए ईपीएफओ ने करेक्शन यानी चेंजेज को दो भागों में वर्गीकृत किया है, मेजर चेंजेज और माइनर चेंजेज। तो मेजर चेंजेज और माइनर चेंजेज क्या है, इसको भी यहाँ पर ईपीएफओ ने इस टेबल में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं। मेजर चेंजेज क्या है, माइनर चेंजेज क्या है, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाकर मैं नेक्स्ट टाइम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको एक और मेन पॉइंट देखने को मिलेगा कि आप कौन से पैरामीटर में कितनी बार करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस में 2 बार करेक्शन कर सकते हैं, बाकी सभी पैरामीटर में सिर्फ 1 बार करेक्शन कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको कौन से करेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये आपको लिस्ट वाइज लिखा मिलेगा। अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट के प्रोफाइल में माइनर करेक्शन करना है तो आपके आधार के अकॉर्डिंग करेक्शन हो जाएगा,
लेकिन अगर आपको मेजर करेक्शन करना है तो ईपीएफओ की तरफ से आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको कौन से करेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका लिस्ट आपको यहां पर लिखा मिलेगा। जैसे अगर आपको नेम में करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें मेजर करेक्शन के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सब आपको यहाँ पर लिस्ट वाइज लिखा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इस प्रकार दिखेगा, जिसमें 11 पैरामीटर आपको ऐड मिलेंगे। यहाँ पर आपने देखा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी बदल जाएगा। आप थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से यूएन पोर्टल का स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे यूएन पोर्टल पर मेम्बर के प्रोफाइल में जो करेक्शन वाला पेज है उस पेज का स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगाया गया है। और इस स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर प्रॉब्लम में लिखा गया है कि इसमें सिर्फ 4 फील्ड हैं चेंजेस के लिए, जो अपलोड का ऑप्शन है वो सीमित है और हर पैरामीटर के लिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी यहाँ पर ईपीएफओ ने दिया है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि ईपीएफओ की तरफ से इस पर काम चल रहा है और आने वाले टाइम में ये सभी 11 पैरामीटर्स यूएन पोर्टल पर ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने पीएफ अकाउंट के प्रोफाइल में इन सभी पैरामीटर्स में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन से संबंधित जितने भी रूल इस एसओपी में लिखे गए हैं इस पर मैं एक अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊँगा और नेक्स्ट टाइम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में कोई करेक्शन यानी सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला वीडियो देखें। मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में। जय हिंद।